बतला दिया गया है, अब तक आप लोग सुन चुके हैं। क्या सुन चुके हैं? कि यदि तू अहंकार का आश्रय लेकर के मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा निश्चय करेगा तो ये तेरा जो व्यवसाय है ये क्या है? मिथ्या ही है। प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति, जो प्रकृति है वो तेरे को क्या करेगी? नियुक्त करेगी ही। क्योंकि जो ये जीव है ये अपने स्वभावज कर्मों के द्वारा बंधा हुआ है, अर्थात अनंत जन्मों में जो संचित संस्कार है और जिनको लेकर के ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, जिस भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार। तो इसलिए जैसे तू क्षत्रिय है तो क्षात्र धर्म का परित्याग करना तेरे लिए झटिति संभव नहीं है। उसके लिए तो बहुत समय तक प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा, चिंतन करेगा, तब जा करके हो सकता है स्वभाव में कुछ क्या आए, परिवर्तन आए। तो इसलिए यदि तू कहता है मोहात कर्तुम न इच्छसी, मोह के कारण से नहीं करना चाहता, तो अवसा अपि तत् करिष्यसि, तो वह कार्य ही जैसे युद्ध रूप कर्म। अब तू कहता है कि मैं नहीं करूंगा, नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर जब लोग तेरी निंदा करेंगे, तेरे सामर्थ्य को हैं क्या करेंगे, धिक्कार करेंगे, तो तब तेरे तेरी को ऐसा लगेगा कि भाई ऐसा थोड़ा ही हूं मैं तो ये कर सकता हूं। तो तेरा जो स्वभाव है वो प्रकट हो जाएगा और फिर तू युद्ध के लिए फिर तैयार हो जाएगा। और अब ये सब का सब बनी हुई है, ये सारा का सारा समागम बना हुआ है ना युद्ध का। तो इसलिए और फिर क्या बतला दिया है कि ईश्वर समस्त भूतों के हृदय में क्या है, विराजमान। समस्त भूतों के हृदय में ईश्वर साक्षी रूप से, कूटस्थ रूप से, आत्मा रूप से विराजमान है और जीव रूप से नाटक कर रहा है न। साक्षी रूप से, आत्मा रूप से तो क्या है, नचाने वाला है, और जीव रूप से नाचने वाला है। वही नचाने वाला और वही नाचने वाला, कल बताया था। तो ईश्वर जो है आत्मा रूप से तो क्या है, सत्ता देता है, और आत्मा की जो माया है, ईश्वर की माया बोल देते हैं ना, ईश्वर की माया, परमात्मा की माया। तो माया क्या है? माया कुछ नहीं है। माया का मतलब है अपनी आत्मा का अज्ञान, अपनी आत्मा को न जानना, यही माया। और माया कुछ नहीं, जैसे रस्सी को नहीं जानते तो इसलिए क्या हो जाती है, सर्प की भ्रांति होती है।
और यदि रस्सी को जान ले तो भ्रांति नहीं होगी ना। तो रस्सी को न जानना ही माया है, रस्सी को न जानना उस माया के कारण से क्या हो गया, सर्प रूप भ्रम की उत्पत्ति हो गई। वैसे ही आत्मा को न जानने से क्या हुआ, आत्मा का अज्ञान। तो आत्मा का अज्ञान ही माया है, तो इस अज्ञान के कारण, माया के कारण से अपने आप को जीव मानता है, कर्ता भोक्ता मानता है, और अपने जो कर्म और भोग के लिए दृश्य का, दृश्य को देखने लग जाता है, दृश्य का स्वयं ही कल्पना कर लेता है, संकल्प कर लेता है। ये वास्तविकता है, यही वास्तविक सिद्धांत है। लेकिन जो स्थूल बुद्धि वाले हैं, जिनकी बुद्धि में मैल है, आसक्ति बैठी हुई है, राग द्वेष आदि बैठे हुए हैं, वे इस सिद्धांत को हृदयंगम करने की बात तो दूर समझ ही नहीं सकते, और समझने की बात भी दूर, सुनने में ही रुचि नहीं होगी। क्योंकि सत्संग तो क्या मानते हैं कि कुछ कथा हो, कुछ कहानियां हो, कुछ ढोल नगाड़े हो, है? सत्संग का मतलब तो उसे मानते हैं ना। तो पहली बात तो इस सिद्धांत के सुनने में रुचि ही नहीं होगी, सत्संग सुनने में, है? किसी तरह बैठ भी गए समझ में नहीं आएगा, बैठ भी गए उल्टा ही समझेंगे, और समझ में आ भी जाए तो आसक्ति के कारण, वैराग्य के अभाव के कारण से न चिंतन होगा, न निदिध्यासन होगा, न ही अनुभूति होगी, न तत्वनिष्ठा ही होगी। तो कितना काम है करने के, लोग पूछते कि जी यदि हमने संसार के काम कर्म छोड़ दिए तो क्या करेंगे, इधर तो इतना काम है, पूरा का पूरा जीवन भी होम कर दे और कार्य पूरा हो जाए तो सौभाग्य समझ, इससे बड़ा कोई कार्य है क्या संसार में? ये सारा संसार बना ही इसलिए है, ये सृष्टि का सृजन मात्र परमात्म प्राप्ति के लिए हुआ है। चाहे वो वृक्ष हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे नदियां हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे भूमि हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, सारी की सारी सृष्टि का निर्माण हुआ केवल इसलिए है कि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जान के मुक्त हो जाए। ये खीर, ये हलवा, ये रसगुल्ले, जो कुछ भी सृष्टि में बना है केवल किस लिए है, आत्म कल्याण करने, नहीं कि इसमें धसने के लिए, फंसने के लिए। ये सृष्टि बनी ही इसलिए, इसको भूल के बाकी और सब काम कर रहा है, जिसके लिए ये सृष्टि का सृजन हुआ, जिसके लिए आत्म कल्याण के लिए, उसको भूल के बाकी सारे काम कर रहे हैं, धन भी कमा रहा है, पद भी कमा रहा है, सब कुछ तो कर रहे हैं, खा भी रहा है, पी भी रहा है, भोग भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर एक काम को छोड़ के, जिस काम के लिए आया है, जिस काम के लिए सृष्टि बनी है, ये मनुष्य शरीर में, तो ये बात है, यही सिद्धांत है कि ईश्वर जो है आत्म रूप से आपके हृदय में विराजमान है, और जीव रूप ये जो समस्त भूत समुदाय है इनको अपनी माया से नचा रहा है ना, कि सर्वभूतानि ब्राह्मयन यंत्रारूढ़ानि मायया, अपनी माया के द्वारा। जैसे गले में पड़ा हुआ है सोने का आभूषण, और यूं अचानक जल्दबाजी में हाथ मारा तो हाथ लगा नहीं, तो सोचा कि मेरा आभूषण खो गया है। तो आभूषण का जो अज्ञान है, आभूषण है लेकिन आभूषण का क्या हुआ, अज्ञान। इस अज्ञान के कारण से क्या होते हैं, भ्रमित होते, वहां ढूंढेगा, वहां ढूंढेगा, वहां ढूंढेगा। अब ये जो भ्रमण हो रहा है किसके कारण से हो रहा है, अज्ञान के कारण, माया के कारण, किसके कारण से? तो इसी प्रकार आत्मा के अज्ञान,
मतलब यही आत्मा की माया है, और कोई माया अलग से नहीं है कि माया नाम की कोई स्त्री है लंबी सी तकड़ी सी इस कला की तरह है। ये मत समझ लेना कि लंबी तकड़ी कोई, लोग सोचते माया माया भगवान की माया है भाई, और वो सबको मोहित कर देती है, और उस मोह के कारण से ये जीव जो है संसार में फंसे हुए। माया का नाम आते एक स्त्री जो है, ऐसा कुछ नहीं है, माया अज्ञान ही माया है। उस अधिष्ठान का ज्ञान न होना, अधिष्ठान का न जानना ही माया, और कोई माया अलग से कुछ नहीं है। तो अपने आत्मा को न जानना ही माया है, इसी के कारण से जीवत्व, इसी के कारण से ये सारा का सारा जगत, किसके कारण से, माया है। तो ईश्वर समस्त भूतों के हृदय में विराजमान है, और समस्त भूतों को यंत्र में आरूढ़, जिस प्रकार से पुतलियों को, कठपुतलियों को नचाने वाला पर्दे के पीछे से उनको क्या करता रहता है, नचाता रहता है, इसी प्रकार से अंतर में ही बैठा हुआ है। हाँ जी, तो अंदर में ही बैठा हुआ है कौन, नचाने वाला और नाचने वाला, और नचाने वाला नाचने वाला अज्ञान में दो है, ईश्वर और जीव, और ज्ञान हो तो एक ही है। ईश्वर और जीव, ईश्वर अलग है, मैं जीव हूं ऐसा मानता है, और अपने हृदय में तो ईश्वर को मानता भी नहीं। कोई कहता है कि कहां मंदिर में है, कहां है ईश्वर, कहते परलोक में है, कि कहां है, कोई कहे स्वर्ग में है। ईश्वर अपने अंदर मानते हैं क्या, या भूतों के अंदर मानते हैं क्या, कहां है ईश्वर, सबके हृदय में विराजमान है आत्म रूप से, और वही जीव रूप से नाच रहा है। बड़ा विचित्र काम है, ईश्वर अपनी ईश्वरता को भूल कर अपने आप को क्या मानने लगा, जीव मानने। कोई ईश्वर नहीं, आप ही तो, मैं ही तो, मैं अपनी ईश्वरता को भूल के कि मैं ईश्वर हूं, मैं क्या हूं, ये डॉक्टर समझता है कि बस मैं ईश्वर हूं, है नाम रख दिया ना इसका ईश्वर, तो ये समझता है कि मैं ईश्वर हूं, बाकी ये सब ईश्वर थोड़ा है। अच्छा जी, तो ईश्वर कहाँ है, सबके हृदय में, मैं ईश्वर ही हूं, लेकिन माया अज्ञान भ्रम के कारण से अपने आप को क्या मानता है, जीव मानता है, और इसी जीव मान करके विभिन्न लोक परलोकों में नाचता रहता है, कभी स्वर्ग लोक, कभी नरक में, और कभी मनुष्य लोक में, कभी पशु पक्षी लोक में, इस प्रकार से बिचारा नाचता रहता है। तब माया में जीव गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। माया, माया तो अपनी ही माया है, किसकी माया है, मम माया, मेरी ही माया है, दुरत्यया। अच्छा जी, आगे देखो, अब 62वां श्लोक देखिए। तमेवा शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ, इसीलिए हे अर्जुन, हे भारत, संबोधन क्या किया है, हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, भरत वंशियों में बड़े बड़े तपस्वी हुए, बड़े बड़े प्रतापी हुए,
बड़े बड़े संयमी हुए, क्योंकि संयम और विचार ही तप है। क्या? संयम और विचारशील विवेकशील होना यही क्या है? यही तप है। ऐसे नहीं कहा जी उसने 10 दिन से रोटी नहीं खाई, इसको तप मानते हैं। एक पैर पे खड़ा हो गया, वो तो आग के बीच में बैठा हुआ है, वो धूम में खड़ा हुआ है, वो तो पानी में खड़ा रहा जी, ये कोई तप वप नहीं है, ये तो मूढ़ता है, ये तप नहीं है। तप आप सुनाए, सात्विक तप क्या है, राजसिक तप क्या है, तामसिक तप क्या है, वे सब तामसिक तप है, पानी में खड़े हैं, ये सब क्या है? तामसिक तप है। और इसमें भी शरीर का तप क्या है, वाणी का तप क्या है, और मन का तप क्या है, ये सब पीछे बता दिए आप, है ना। सात्विक तप जिसमें कोई इच्छा ना हो किसी प्रकार की, किसी प्रकार के प्रदर्शन का या प्रसिद्धि का, प्रशंसा आदि का भाव ना हो, वो सात्विक तप कहेंगे। और उसमें भी शरीर का तप क्या बतलाया है? शरीर का तप बतलाया है कि विद्वान की, गुरु की सेवा करना, ये क्या बतलाया है? शरीर का तप बतलाया है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये शरीर का तप है। किसी भी जीव की हिंसा न करना, ये शरीर का तप है। ये सब बतलाए थे ना। वाणी का तप क्या है? सत्य बोलना, मधुर बोलना, है सार युक्त बोलना, ये क्या है? वाणी के तप बतलाए थे। और मन के तप क्या बतलाए थे? प्रसन्नता है, मौन, मन को वश में रखना, है ये सब क्या बतलाए थे? ये मन के तप बतलाए, ये सब आप सुना है। शरीर वाणी मन के तप, सात्विक राजसिक तामसिक। तो इसलिए जो संयम और विचार है यही क्या है? विवेक, यही तप है। और इस तप के फल स्वरूप अनेकों तपस्वी हुए भरत वंश में, तो उनमें भी तू श्रेष्ठ है अर्जुन, क्योंकि तू संयमी है, तू बड़ा ही विचार विवेकशील है ना। तो इसका तेरा हृदय बड़ा विशुद्ध है, तेरे अंदर किसी प्रकार की माया, चालाकी, चतुराई, होशियारी, कुटिलता नहीं है। तू क्या है? तेरा हृदय सरल है। इसीलिए जो सरल हृदय वाला है उसको सब प्रेम करते हैं, बालक को सब प्रेम करते हैं, आपको क्यों नहीं करते? व्यक्ति ये सोचेगा कि मेरे को आप कोई प्रेम नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? कारण कोई दूसरा है क्या? तेरी चालाकी, तेरी होशियारी, तेरी कुटिलता, यही क्या है? यही तो कारण है, और कोई कारण थोड़े ही है। जीवन में सरलता हो, कोई संत है, सरल है, सारी दुनिया उसके लिए खड़ी हुई है, नहीं खड़ी है, केवल सरलता के कारण, सहनशीलता और सरलता और जीव मात्र के प्रति करुणा, ये संत का लक्षण है। क्या? सहनशील हो और सबके प्रति करुणा का भाव, सरलता, वो क्या है? अब संत देखा जाए तो संत का कोई नहीं, और वास्तव में देखा जाए तो संत का कौन नहीं, सभी संत के हैं। संत को कुछ हो जाए सबके सब, लेकिन संत हो तो ऐसे ही थोड़ा है यूं ही। तो संत के लिए तो क्या है? कौन प्रेम नहीं करता? सब संत सबको प्रेम करता है, और सब नहीं करते क्या? हाँ, अपने परिवार वालों से भी ज्यादा करते हैं, अपने परिवार वालों से भी, जिनको मानते हैं मुंह, उनसे भी ज्यादा किसको मानते हैं? संत को मानते हैं, नहीं मानते हैं? उससे ज्यादा किसको मानते हैं? क्योंकि संत उसके संत पने के कारण, वेश के कारण से नहीं। वेश के कारण से तो कुछ ही दिन मरे, वो तो वेश है, बड़ा चलाक है। तो संतपना हो, साधुता माने सरलता, माने सहिष्णुता, माने संयम, माने सबके प्रति करुणा का भाव, सभी अपने हैं, उसके लिए कोई कम या ज्यादा नहीं है, उसके लिए सभी अपने हैं। कम ज्यादा लगते हैं तो व्यक्ति को अपनी दृष्टि से लगते हैं, संत की दृष्टि में कोई कम या अधिक। तो इस तरह है बतला दिया है अर्जुन, तू तो श्रेष्ठ है। साथ ही साथ भारत का दूसरा अर्थ क्या किया था?
माने ज्ञान, और उसमें जो रत है निरंतर ज्ञान प्राप्ति में जो लगा हुआ है उसको भारता कहते हैं। भारत किसको कहेंगे? हैं, जब भारत के लोग, भारत में निवास करने वाले सब भारत थे, मतलब सबके सब ज्ञान प्राप्ति के लिए लगे हुए। तो ज्ञान ही तो मनुष्यता है, ज्ञान ही तो संस्कार है। भोजन का ज्ञान, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पीना क्या नहीं पीना, कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना है, कब खाना कब नहीं खाना, ये हर चीजों का जो ज्ञान है, इसी कारण से तो मनुष्य हो आप, इसी कारण से मनुष्य हो। बाकी तो पशुता है, जहां चाहे वहीं गोबर कर दे, जब चाहे जब खाने लग जाए, खड़े खड़े खाने लग जाए, तो ये सब क्या है, ये पशुता ही तो है। मनुष्यता का मतलब तो सब कुछ मर्यादित है। ज्ञान जिसमें है, ज्ञान है हर हर काम को करने का, खाने का भी ज्ञान है, ये नहीं खा रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी है, पशु है क्या? ज्ञान जिसको है, हर चीज का ज्ञान है, वस्त्र पहनने का ज्ञान। तो इसलिए यहाँ के सब लोग क्या है, ज्ञान में लगे रहते थे, इसलिए सब भारतवासी हो गए। लेकिन अब तो सबके सब ये तो भारत नहीं करना चाहिए, अब करना चाहिए धनरथ है, या भोगरथ, भोग में लगे हुए हैं, या फिर धन में लगे हुए हैं, या पाप आचरण में लगे हुए हैं। पाप रथ, सीधा बोल दो, भारत ना बोल करके क्या बोलो, पाप रथ, भारत में तो वो लग लो, क्या बोल लग लो, धनंजय भी तो कार्य हाँ, पाप रथ बोल, क्या बोलना, पाप पाप में ही लगे हुए हैं। भारत मत कहा दो, भारत में कितने भारतवा है, जो धर्म में, परोपकार में, सेवा में, संयम में, साधना में, परमात्म चिंतन में लगे हुए हैं, वे ही भारत है। बाकी सब तो पाप रहते हैं। बाकी सब क्या है, हाँ, खाया पिया फिर दुकान, खाया पिया फिर वहां, वहां से आगे फिर घर, यही काम है जीवन में। कोई परोपकार नहीं किया कि दिन भर में कुछ परोपकार किया क्या, किसी भूखे को भोजन कराया क्या, किसी पक्षी को दाना डाला क्या, किसी जीव को रोटी दी क्या, जब जीव कोई परोपकार नहीं हुआ तो पशु ही है, बस वहां गया और फिर आ गया, घर से दुकान, दुकान से घर, यही काम है, और कोई काम ही नहीं है। धन धन जोड़ जोड़ के वहां दुकान में इकट्ठे करेगा, घर बैठ के आगे क्या करेगा, उनको गिनेगा अंधेरे में बैठ के, ये काम है और काम कुछ नहीं है, और खा लिया पी लिया सो गया, वो इंसान कहाँ है, पशु ही है ना। ज्ञान ध्यान जहां सत्संग नाही, वो जीवन किस काम, आया ना वाणी में आता है, वो नर पशु के समान। अच्छा जी, तो क्या कह रहे, भारता माने जो ज्ञान में रत है, ज्ञान में लगा हुआ है उसको अर्जुन। तो इसीलिए हे भारता, सर्व भावे ना सब प्रकार से तमेवा शरणम गच्छ, उस ईश्वर की ही शरण में जाओ, जो ईश्वर समस्त भूतों के हृदय में विराजमान है, उस ईश्वर की ही शरण में जाओ। कौन कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण किसको कह रहे, अर्जुन को, स्पष्ट आदेश, गच्छा जाओ, समस्त भूतों के हृदय में स्थित जो ईश्वर है आत्म रूप से, उसकी ही शरण में सर्व भावेना, सब ओर से अपने मन और इंद्रियों को समेट करके उसकी ही शरण में जाओ। मतलब अपने मन को वही आत्म चिंतन में, परमात्म चिंतन में लगाओ, वही लक्ष्य है, वही गंतव्य है, वही प्राप्य है, उसको पाने के लिए ही ये जीवन और ये सब कुछ मिला है। हृदय में स्थित उस ईश्वर का आत्म रूप से साक्षात्कार,
जिसने कर लिया उसने सब कुछ कर लिया, और जिसने ये नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। कह जी मकान बना दिया हमने, कोठी बना, अरे महल बना बना के आया भाई, कौन से तेरे काम आए हैं? पिछले जन्मों में इतने बड़े बड़े महल बनाए हैं तो उनसे कौन सा तू मुक्त हो गया है कि जो कोठी बना करके बड़ा खुश हो रहा है? तो ये कुछ नहीं है, ये तो गुजारे के लिए है। एक झोपड़े में कर लेता, एक महल में कर लेता, करना गुजारा ही है। संतोष हो तो झोपड़े में भी आनंद है, और संतोष ना हो, तृष्णा हो तो महलों में भी कंगाली है। देखे हमने ऐसे भी लोग, हमने देखे झोपड़े में है लेकिन इतनी उदारता, इतना प्रेम, इतना सेवा भाव की कोई सीमा नहीं। ऐसे भी देखे कोठी, पूछो मत, लेकिन कितनी संकोच है, संकीर्ण बुद्धि, कोई सीमा नहीं। ये भी है तो महल में हो जाना कोई धन धनी हो जाना नहीं है। धनी तो अरे वो कहते हैं ना, वो दिल का बड़ा अमीर है, कहते हैं ना, दिल माने हृदय, जिसका उदार है, हृदय से जो उदार है, परोपकार का भाव है, सेवा का भाव है, खिलाने का भाव, खाने खाने का नहीं, किसका, खिलाने का भाव। तो यही क्या है, यही अमीरी है। अच्छा जी, तो क्या बतलाया है, उसकी ही शरण में जाना, जाओ सर्व भाव से, सब प्रकार से उस परमात्मा का ही चिंतन करो, जिसको पाने के लिए ये शरीर मिला है। तत्प्रसादात, और वो हृदय में स्थित जो परमात्मा है, जब वो प्रसन्न हो जाएगा ना, पराम शांति, तो क्या होगी, परम शांति की प्राप्ति होगी, और शाश्वतम स्थानम प्राप्यसी, और तुम्हें शाश्वत स्थान की प्राप्ति हो जाएगी, नित्य तत्व की, परमात्मा की, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए क्या करो, सबसे पहले उसकी ही शरण में जाओ, सर्वभाव से, अर्थात अपने जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति, तत्व प्राप्ति, परमात्म प्राप्ति बने, जो अपने हृदय में ही विराजमान है और समस्त भूतों के हृदय में विराजमान है। पहले भिन्न रूप से चिंतन करेगा, भिन्न रूप से चिंतन करते करते जब सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, मन स्थिर हो जाएगा, गुरु चरणों में उपस्थित होगा, तब गुरुदेव जो है वो ब्रह्म ज्ञान है, और ब्रह्म ज्ञान यही, अरे तू जीव नहीं है, तू ईश्वर ही है, तू आत्मा। गुरु उपदेश कब देगा, तत्व का उपदेश। पहले जो उपदेश है वो तो किस लिए है, हृदय को विशुद्ध करने, पहले उपदेश इसलिए है, जप करो भाई, सेवा करो भाई, सत्संग करो भाई, परोपकार करो भाई, तो ये सब उपदेश किस लिए है, हृदय को शुद्ध करने के। और जब हृदय निर्मल हो गया, सब मैल कट गया, अहंकार गलित हो गया, तब देखा गुरुजी ने कि अब इसके अंदर पात्रता है, बर्तन साफ है, डाल दो वस्तु, अब इसमें ये जो अमृत है वो डाला जा सकता है, क्योंकि अब बर्तन उससे पहले नहीं डालते हैं। और फिर गुरुदेव कह देते हैं कि जब देखा पात्र है कि तू जीव नहीं है, तू जन्म मरण धर्मा नहीं है, तू तो आत्मा है, तू परमात्मा है, तू ईश्वर है, और इस बात को जान करके क्या होता है, ये मुक्त हो जाता है, वहीं का वहीं तुरंत। मरने के बाद की प्रतीक्षा नहीं है, यहाँ मुक्ति क्या मिलती है, कल मिलेगी, परसों मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। अभी पानी पी, अभी प्यास बुझी, वैसे ही अभी किया और अभी मुक्त, अभी जाना और अभी क्या हो गया, अभी। तो देखो जी क्या बतलाते हैं, आगे भी देख लीजिए, ये समझ आया। तत्प्रसादात, हृदय में स्थित ईश्वर की प्रसन्नता से
पराम शांतिम, जो परम शांति है, शाश्वतम स्थानम प्राप्यसि, और शाश्वत स्थान की प्राप्ति हो जाती है। शाश्वत स्थान क्या है? अपना आत्मपद। शाश्वत स्थान अपनी आत्मा, ये परमात्म पद को प्राप्त कर देता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं ममा, क्या बतलाया है? जहां पर जा करके फिर लौटना नहीं पड़ता है, वही आत्मधाम। किसी लोक में जाऊंगे तो आऊंगे भी, जहां जाना है वहां पर आना निश्चित है, लेकिन अपनी आत्मा में न आना न जाना, बस मन का भ्रम। और तू जरा गरीबी ले भाई, तेरा यहाँ का यही। गरीबी का मतलब सरलता अपना, गरीबी का मतलब अहंकार गलित कर, गरीबी का मतलब गुरुदेव का जो उपदेश है उसको श्रद्धा के कारण अपने हृदय में रख, यही गरीबी, यही का यही ठिकाना भी कभी मुक्त है। बड़ा विचित्र सिद्धांत है ना। अच्छा जी, आगे भी देख लीजिए, यहीं खड़े रहेंगे क्या? अब क्या कह रहे देखिए। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरम् मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानम् आख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरम् मया विमृश्य एतद् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इति ते, ये जो है, ते माने तेरे प्रति, ज्ञानमाख्यातम्, हमने ज्ञान को कहा है, तेरे प्रति हमने ज्ञान को कहा है। कैसा ज्ञान है? गुह्याद् गुह्यतरम्। कैसा ज्ञान है? गुप्त से भी गुप्त ज्ञान। इसके बराबर कोई मुक्त है क्या? ये तो ऐसी विद्या थी जो कि छिपी हुई थी, है ना, अनादि काल से। ये पहले तो जैसे शंकराचार्य जी आदि ने प्रकट की, और उससे भी ज्यादा इसका जो प्रचार प्रसार किया वो किया संतों ने, है ना। ये जो बीच में भक्ति काल आया, कबीर साहेब, नानक देव, दादू दयाल, पलटू साहेब, मधुक दास, अनेकों संत हुए भारत भूमि में। ये जो विद्या, ये जो ज्ञान है ना, ये इतना गुप्त था, बहुत गुप्त था ये विद्या। कोई कोई जो अधिकारी होता था, वर्षों वर्षों तप करते, शरीर गलाते, जंगल में भूखे प्यासे सड़ते मरते, तब जा करके कोई ब्रह्मनिष्ठ संत मिलता, वो उपदेश करता। ये विद्या बड़ी गुप्त थी, ये तो इन संतों की कृपा से जीव मात्र को सुलभ हो रही है। लेकिन जो चीज सुलभ हो जाती है उसका मूल्य और महत्व भूल जाता है, है ना। ज्ञान का महत्व कितना देते हैं हम लोग? कितना महत्व दे रहे हैं? भारत में रह रहे हैं, अभी आपको क्या बतलाया, भारत का मतलब ही है ज्ञान में रत रहने वाले। अब तो धन में रत है या भोग में रत है, किस में रत है? अब साधना में रत कितने हैं, संयम में कितने रत है? तो भारत का मतलब तो है ज्ञान प्राप्ति में जो लगे हुए हैं उनको भारत कहते हैं। अब लगे हुए धन की प्राप्ति में या भोगों की प्राप्ति में या विषयों की प्राप्ति में, तो ये भारत थोड़ा है, ये तो पाप रत है। ये नाम बताया ना भारत, इसलिए क्या नाम रखो देश का नाम? है पाप रत, पाप में लगे हुए, और कुछ नहीं है जीवन में। तो इसलिए ये जो बात है कि ये ज्ञान तो सुलभ हो गया, जैसे हवा है सुलभ है, लेकिन इसका मूल्य नहीं समझता। लेकिन मूल्य समझो ना समझो, लेकिन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
सोना चांदी महत्वपूर्ण है या हवा महत्वपूर्ण है? अभी थोड़ी सी देर श्वास ना मिले 10 सेकंड पता लग जाएगा। सबसे ज्यादा सुलभ है ना हवा, महत्व देते हो बिल्कुल भी? बिल्कुल भी महत्व देते हो क्या? जब ना मिले तब पता लगे। महत्व तो क्या है देखो, मूल्यवान चीज क्या है, वो फ्री में मूल्यवान चीज है हवा, उसके बाद है जल, उसके बाद है अन्न, बाकी सब चीजों का कोई मूल्य है क्या? पर आप मूल्य किसको देते हो? धन को, सोने को, हीरे को, जबकि बेकार की चीज है किसी काम को? किसी काम को क्या? भूख मिटाती है या सर्दी भगाती है, क्या काम करती है बताओ? महत्व किसको देंगे? कबाड़े को। और जिसको महत्व देना चाहिए उसको नहीं देंगे। हवा है मूल्यवान, तो जल है मूल्यवान, तो अन्न है मूल्यवान, तो इसको इसलिए मुख्य धन इसको बतलाया है। मुख्य धन ये है, और ये चांदी वांदी ये जिसके पास नहीं हो क्या वो नहीं जी रहे है? है? जिनके पास नहीं है ये सब चीजें वो नहीं जीवित है? वो भी जी रहे हैं ना। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो ये जो गुप्त से गुप्त ज्ञान है, और इस हवा से भी ज्यादा यदि मूल्यवान है तो क्या है? अपनी आत्मा। सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है? अपनी आत्मा। हवा भी हो तो ये क्या, आत्मा ना हो तो हवा क्या कर लेगी? ये सूर्य चंद्रमा क्या कर पाएंगे? ये अन्न जल क्या कर पाएंगे? सबसे ज्यादा मूल्यवान महत्वपूर्ण प्रिय है यदि कोई है तो वो अपनी आत्म तत्व है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, गुह्याद गुह्यतरम ज्ञानम ते प्रति मया आख्यातम। गुप्त से भी गुप्त ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा है, इससे बड़ी कृपा, इससे बड़ी करुणा नहीं हो सकती। जो आप अपने बच्चे को प्यार से बैठा के जो समझाते हैं, जो संस्कार देते हैं, वो मूल्यवान है। आपने जो 10 करोड़ या उसको करोड़ रुपए दी थी, वो कोई मूल्यवान नहीं, वो तो अभी जाएगा, एक सेकंड में खो जाएगा। लेकिन आपके बालक आपके ज्ञान के पिपासु है या धन के इच्छु है? हैं? आपको तो ये समझते हैं कि भाई ये तो तिजोरी है, पैसा दे, क्या भाषण ना दे, भाषण नहीं, क्या चाहिए? पैसा, राशन दे, भाषण देने की जरूरत नहीं। जबकि मूल्यवान क्या है? पैसा मूल्यवान है। और जो समझदार होगा वो कहेगा, बड़े के पास बैठेगा, चरण दबाएगा, है उनके पास बैठ के, कि मेरे को कुछ ज्ञान दिया, कुछ अनुभव सुना हुआ अपने, वो मूल्यवान है, वो महत्वपूर्ण। ज्ञान मूल्यवान है, संस्कार मूल्यवान है। उन संस्कारों के बिना, कहते धनी तो खूब है, किसी धनी का बालक है, लेकिन संस्कार नहीं दिए, वो कहीं सम्मान पाता है क्या? संस्कार विहीन अहंकारी क्रोधी असहिष्णु व्यक्ति कहीं पर सत्कार पाता है क्या? नहीं पाता है ना। तो संस्कार, मैं कह भले भाई फटे पुराने कपड़े हैं, गरीब है, लेकिन है बड़ा संस्कारी, है बड़ा विचारवान, नहीं? सब प्रेम करते हैं ना उसको, धनी को प्रेम करते हैं, संस्कारी को प्रेम करते हैं, ये बताओ? संस्कारी को ना, धनी को करेंगे भी कोई तो स्वार्थ में कर लेंगे, लेकिन अंदर से तो कर पाएंगे क्या? संस्कारी को। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि तू मेरा अत्यंत प्यारा है ना, इसलिए मैंने तेरे को गुप्त से गुप्त जो ज्ञान है, सारे हथियार किसको दिए? दुर्योधन को दिए। सारी सेना किसको दी? दुर्योधन को। और अपना ज्ञान किसको दिया? केवल अर्जुन। जो सबसे प्यारा होता है ना, जो समझाते हैं ना या टोकते हैं बड़े, केवल उसको टोकते जिसको प्यारा समझ। जिस समय टोकना डांटना समझाना बंद कर दे तो समझना चाहिए कि वो आपको अपना नहीं मानते, आप उनकी दृष्टि में गिर गए। गिरता तो व्यक्ति अपनी चलाकी से ही है कि आप उनकी दृष्टि में गिर चुके हैं, कि वो आपको इतना भी अधिकारी नहीं समझते कि हमें को कुछ समझाए, कुछ बताए, बाकी का पता नहीं। हम तो
उसी को केवल समझाते या टोकते हैं जिसको लगता है कि हाँ, अन्यथा भाई क्यों कहना, क्यों समझाना, जो पात्र ही नहीं है। तो वो ये समझना चाहिए जिसको भी टोका जा रहा है, समझाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मैं प्यारा हूँ, कहीं ना कहीं इनकी दृष्टि में अपनापन है। वो जिसको अपनापन होता है उसी को समझाते या टोकते हैं जी, अपनापन नहीं होता तो कुछ करें क्या फर्क पड़ता है, जो करेगा अपने लिए करेगा, भोगेगा, रोएगा, मरेगा, खुद क्या करे। अच्छा जी, तो गुह्य से गुह्य ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा है। अब एतद अशेषेण विमृश्य, इसका संपूर्ण रूप से क्या कर तू, विमर्श कर ले, विवेचना कर ले, आलोचना विचार कर ले, इसका क्या कर ले, खूब तेरे को बता दिया, खूब चिंतन कर ले, समझ ले, और उसके पश्चात बांध भी नहीं रहे, खुला छोड़ रहे, यथेच्छसि तथा कुरु, फिर तेरे मन में जो आए सो कर। हमने तो तेरे को गुप्त से गुप्त जो ज्ञान है वो कह दिया तेरे को, करुणा, करुणा है, प्रेम है, सबसे बड़ी करुणा है, इससे बड़ी करुणा, इसलिए कहा था ना मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तो यही गुरु की कृपा है, उपदेश देना यही क्या है, गुरु कृपा। लोग समझते हैं गुरु कृपा का मतलब है गुरु का सर पे हाथ धर देना, इससे क्या होगा, एक मिट्टी के ऊपर दूसरी मिट्टी धर दी, पांच भूतों का शरीर पांच भूतों का वो कर दिया। कृपा का मतलब है सतपात्र समझ करके उसको ज्ञान देना, सतपात्र हो जाऊंगे तो गुरु ज्ञान देगा ही देगा, पात्र नहीं होंगे तो गुरु ज्ञान नहीं देगा, पात्र नहीं होंगे तो। इसलिए फिर क्या कह रहे हैं, हमने तो बता दिया, अब अशेषेणा एतद् विमृश्य, संपूर्ण रूप से इसका विचार कर, मनन कर के यथेच्छसि तथा कुरु, अब तेरी जो इच्छा हो सो कर, खुली छूट है, बांधते नहीं है महात्मा, सत्य सत्य बदला देते बात भाई, ये बाकी तेरी मर्जी। अपना काम क्या है, समझाना, डंडा लेके पीछे पड़ना, तेरी मर्जी, करना हो कर, मत करना हो मत कर। इसलिए किसी को एक बार समझाओ, ज्यादा करो दो बार, और ज्यादा ही ज्यादा करो तो चौथी बार कभी ना करो, ठीक है ना, उसकी बुद्धि उलट हो रही है, उसके जो पाप कर्म है वो उसको सही बात नहीं मानने दे, मरता है, मरे। शंकर जी ने पार्वती कितने बार कहा, मत जा अपने घर, सम्मान नहीं मिलेगा, एक बार का, दो बार का, तीसरी बार का, समझ गए, भावी है, भावी ने इसकी बुद्धि ऐसी कर दी, अन्यथा तो मेरी बात एक बार कहने पे ही, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, इशारा ही समझती थी, लेकिन आज समय विपरीत है, भावी है, इसलिए इसकी बुद्धि कैसी हो गई, एक बार समझाया आ जाता, दूसरी बार तीसरी बार तो कभी इसको कहना ही नहीं पड़ा, लेकिन आज दूसरी बार भी कह दिया और तीसरी बार भी कह दिया तो भी नहीं मान रही है, चौथी बार तो सज्जन लोग कभी कहा ही नहीं करते, चौथी बार नहीं कहा करते, जो मर्जी उसको करो भाई, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो वैसे अर्जुन को कह दिया है कि भाई तेरे को जो बतलाने योग्य बात है वो तो हमने बता दिया है, सब कुछ बतला दिया, जगत का स्वरूप भी बतला दिया, जीव का स्वरूप बतला दिया, परमात्मा का स्वरूप बतला दिया, सब कुछ बतला दिया, कुछ भी बतलाने योग्य शेष नहीं छोड़ा है, अब तेरी मर्जी सो कर, जो तेरे को ठीक लगता है। अच्छा जी, आगे देखो, सर्व गुह्यतमं भूयः श्रृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्व गुह्यतमं भूयः श्रृणु मे
परमं वचः इष्टः असि मे दृढमिति ततः वक्ष्यामि ते हितम्। सज्जन लोग होते हैं ना, ये बांटते बांटते नहीं थकते। अर्जुन ने प्रश्न किया, एक इतना विशाल ग्रंथ सुना दिया, और दे दू, है ना। सज्जनों का स्वभाव होता है, कहते हैं ना कि गूढ़ तत्व न संत दुरावही आरत अधिकारी जब पावे। जब कोई योग्य अधिकारी मिल जाए ना, तो संत कुछ भी नहीं छिपाते, पूरा अनमोल खजाना, मूल्य से मूल्यवान वस्तु उसको दे देते। कोई अधिकारी शिष्य मिल जाए तो कुछ नहीं छिपाते। तो वैसे ही इतना कुछ सुना दिया, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण को संतोष नहीं हो रहा है। और सुनाओ, और कह रहे हैं, तो क्या कह रहे, भूयः दुबारा फिर सर्वगुह्यतम है, जितने भी गुप्त है ना, उनमें भी जो अत्यंत गुप्त है, वो बात भी अब मैं तेरे को सुना रहा हूं। सर्वगुह्यतमं मे परमं वचः भूयः शृणु, मेरे जो अत्यंत गुप्त जो सबको नहीं बतलाए जाते, जो अपने हृदय में ही रखे जाते हैं, लेकिन वे वचन भी वो ज्ञान भी मैं तेरे को बता रहा हूं। कितनी करुणा है ना। गुरु का उपदेश गुरु की करुणा। और ये बात आज के लोगों को भी समझनी चाहिए कि वृद्धों की जो सलाह है, बड़े लोगों का जो सलाह देना है या बोलना है, ये उनकी बहुत बड़ी करुणा है, कृपा है, आशीर्वाद समझना चाहिए। जब बड़े लोग विमुख होके बैठ जाए, मुंह फेर के बैठ जाए, समझ लेना अपना समय खराब आ गया। पर आजकल के लोग कहाँ समझते हैं, पाश्चात्य वाले तो बेचारे अपने आप को समझते हैं कि हम तो कुछ है ही नहीं, वे तो सीख रहे हैं यहाँ, और यहाँ वाले टीवी पे देख देख के है वैसे ही कपड़े पहनना, वैसे उल्टा सीधा खाना, वो बेवकूफी सारी की सारी मूढ़ता क्या पशुता, उनकी सीख रहे हैं। अपने भारत को गाली देते हैं है? कि जहाँ पर जन्म, अरे इसके जितना तो कोई श्रेष्ठ महान हो ही नहीं सकता। इतना चिंतन यहाँ पर है, इतना साधना, इतना तप और संयम यहाँ पर है। केवल भारतीय दर्शन में स्त्री को पुरुष से भी बढ़कर और देवी और माता माना है। जिनकी तुम सिविलाइज्ड समझते हो ना कि वे सभ्य हैं, उन्होंने स्त्री को वस्तु बोला है, जिनकी तुम नकल करते हो। मुसलमान तो चीज भी नहीं मानते, और ये ईसाई जिनको तुम ये सभ्य मान रहे हो ना, उनके वहां क्या है बाइबिल में कि ये तो वस्तु है, इंसान नहीं है। कितनी निम्नता है, और उनके पीछे उनको सभ्य मान रहे हैं। ऐसे ऐसे बावले लोग हैं, कोई सीमा ही नहीं है। और भारत को गाली देते नहीं थकेंगे, यहाँ के ज्ञान, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के सदाचार, बीच में कुछ बुराइयां आई, लेकिन वो कहाँ से आई, ये मुगलों के आने से, ये अंग्रेजों के आने से। जैसे सती प्रथा, वती प्रथा, ये कहाँ थी, कहीं देखी सती प्रथा भारत में कि वो सती हो गई हो? ये तो बीच में होने लगा जब ये मुगल आए, अन्यथा दशरथ के साथ में कोई सती हुई? तीन रानी थी, एक भी रानी सती हुई हो तो बताओ है। शांतनु के साथ में सत्यवती सती हो गई थी क्या, कोई सी सती हुई तो बताओ? ये मूर्ता है, पता नहीं उल्टा सीधा इतिहास पढ़ा लिया इन्होंने, पढ़ लिया समझते कि हम बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, पता कुछ भी नहीं है। ये समझते कि हम तो पता नहीं कितने होशियार हैं। भारत को गाली देना, अपनी संस्कृति कहीं कभी तक भी नहीं, ना तो पहुंचे और ना पहुंच सकते कभी भी।
कभी भी नहीं। हमारे अध्यात्म का चिंतन इतना सूक्ष्म है, इतना व्यापक है, इतना खुला हुआ है, ना तो ये वैज्ञानिक पहुंचे, और हजार जन्म क्या, लाख जन्म क्या, करोड़ जन्म में पहुंच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस अध्यात्म को समझने के लिए, पाने के लिए क्या चाहिए? संयम चाहिए। क्या चाहिए? तप चाहिए। क्या चाहिए? वैराग्य चाहिए। क्या चाहिए? संत का, गुरु के चरण, उनके प्रति समर्पण। बोलो कभी हो, संयम का नाम भी नहीं हो सकता। संयम का, तप का है उनके जीवन में नाम भी नहीं है, तो वे क्या इसको प्राप्त करें? अच्छा जी, चलो यहीं पर। तो क्या कह रहे? मैं परमम वचा श्रणु, मेरे जो परम श्रेष्ठ उत्कृष्ट वचन सुनो। कैसे? सर्वगुह्यतम, जो अत्यंत गुप्त सी भी गुप्त है, उनको दोबारा फिर सुनो। क्यों सुना रहे हो जी? इतनी कृपा वृष्टि क्यों कर रहे हो? इष्टोसी में, अरे तू मेरा प्यारा है ना, है? प्यारा कौन होता है? प्यारा कौन होता है? सेवक, आज्ञाकारी प्यारा होता है। अर्जुन प्यारा है या अश्वत्थामा प्यारा है? द्रोणाचार्य अश्वत्थामा पुत्र है और अर्जुन शिष्य है। प्यारा कौन होता है? इसे कहते हैं ना कि पुत्र प्यारा बहुत माँ का, लेकिन उससे बढ़ के शिष्य गुरुओं को। माता को पुत्र अत्यंत प्यारा होता है, लेकिन जो वास्तव में शिष्य है समर्पित गुरु को, वो माँ पुत्र से भी ज्यादा प्यारा है। उससे ज्यादा प्यारा कौन हो सकता है? शिष्य से ज्यादा प्यारा। अर्जुन शिष्य है। अर्जुन क्या है? शिष्य। बोल दिया ना, ते अहम शिष्य, दूसरे अध्याय में बोला है कि मैं आपका शिष्य। जिसका अहंकार गलित हो गया गुरु चरणों में, जितने जिसने शीश झुका दिया, मैं जिसका गलित हो गया, वो तो अब जैसा इशारा करेंगे वैसा, अर्जुन ने कह दिया जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा, माम साधी, मेरे को आप उपदेश करो, इतना भी अलग नहीं करूंगा, जो कह दूंगे वही। ये होता है समर्पण। शीश से, शीश से तो सब कहते हैं, शीश से तो बनना इतना सहज है क्या? मैं गलित हो जाना, अहंकार गली तो हो जाना है, मन जो है गुरु चरणों में दे देना, समर्पित कर देना, इतना सहज है क्या? इसलिए शिष्य नहीं बन पाते, इसलिए कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाते। तो तू तो मेरा प्यारा है। प्यारा क्यों है? क्योंकि मेरा शिष्य है, क्योंकि तू सरल बुद्धि है, क्योंकि तेरा समर्पण है। तो इष्टोसी में, तू क्या है? मेरा इष्ट है, मतलब प्यारा है। दृढ़मिति मतलब अत्यंत जो दृढ़ प्यारा है। अव्यभिचारेणा, कैसा प्यारा? निरंतर प्यारा है। क्या है? इति मे दृढ़म, ऐसा मेरे को दृढ़ निश्चय है। मैं दृढ़म इति, ऐसा मेरे को क्या है? निश्चय है, मेरा दृढ़ निश्चय, ऐसा मेरा दृढ़ मत है। ततः ते हितम वक्ष्यामि, इसीलिए मैं तेरे प्रति कहूंगा। क्या कह रहे हैं? त्वं मे इष्टः असि, तू मेरा प्यारा है, प्रिय है तू। दृढ़मिति, ऐसा क्या है? निश्चित मत है, ये निश्चित बात है कि तू मेरा प्यारा है। इसी कारण से ते हितम वक्ष्यामि, तेरे हित की बात है ना, रुचि की बात और हित की बात, दोनों में भेद है ना। साथी अच्छे लगते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं? रुचि की बात करते हैं। और माता पिता बुरे लगते हैं क्योंकि वो हित की बात करते, है ना। अड़ोसी पड़ोसी सब अच्छे लगते हैं आज के बालक, और माता पिता दुश्मन लगते हैं आजकल के बच्चों को, है ना। क्यों? क्योंकि वे रुचि की बात करेंगे और माता पिता हित की बात। हित की, हितेशी होने बड़े दुर्लभ है। हितेशी यदि कोई है, वो माता पिता
बाकी तो सबके सब क्या है, स्वार्थी है, रुचि की बात करेंगे हैं, आपको प्रसन्न करेंगे, आपको रिझाएंगे, उल्लू बनाएंगे। तो प्यारे किसको लगते हैं? बालक, बालक को प्यारे साथ ही प्यारे लगते हैं। माता पिता को एक क्षण में छोड़ देता है, क्योंकि वे हित की बात कहते हैं, हित की बात करने वाला पसंद नहीं आता है। गुरु तो कभी रुचि की बात कहे वो गुरु ही नहीं है। मंत्री, गुरु और वैद्य, ये क्या होने चाहिए? कड़वे होने चाहिए। बताया है ना, मंत्री सही सलाह देने वाला होना चाहिए, नहीं तो समझो राज गया। और वैद्य वो भी बिल्कुल कहे कि नहीं ये पथ्य करना पड़ेगा, कठोर होना चाहिए। नहीं, जो मर्जी उसको खाओ, कोई परहेज को परहेज की कोई बात नहीं, समझो कि ये तुम्हें ठीक नहीं करना चाह रहा है। और गुरु भी यदि प्रशंसा करे, मीठा बोले, तो समझ लेना कि वो तुम्हारा हित नहीं चाह रहा है। ये तीनों कड़वे होने जरूरी है। मंत्री भी सही सलाह दे बिना डरे, वैद्य का काम भी क्या है, कठोर नहीं बिल्कुल, यदि समय पे औषधि सेवन नहीं करोगे, परहेज नहीं करोगे, तो बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, मेरे पास मत आना, मेरी बदनामी होगी बिना बात। गुरु भी कड़वा होना चाहिए, है ना, जो हित की बात करे, बिल्कुल डांट के बात करे, है ना। हित, गुरु तो वो बात करनी ही नहीं चाहिए जो मीठी लगती हो, प्यारी लगती हो। गुरु का काम है हित की बात, और हित औषधि जो है ना वो हित करती है लेकिन कड़वी होती है, लेकिन लाभ क्या करेगी है? और जो है मिठाई या गुलाब जामुन, वो क्या करेगी? लगता मीठा है लेकिन क्या करेगा, है ना। तो बात हित की बात है, हितेशी होता है। और सुहृद कहा गया है गुरु के लिए। संसार में सबके सब स्वार्थ के कारण से क्या करेंगे, आपसे संबंध रखते हैं। एक स्वार्थ रहित संबंध है तो वो एक ही सुहृद कहा गया है। बिना किसी स्वार्थ के जो आपका मंगल चाहता है उसको कहते हैं सुहृद। और वो दो के लिए प्रयुक्त किया गया है, केवल ईश्वर के लिए या गुरु के लिए, तीसरे के लिए नहीं। इसके लिए गुरु के लिए और ईश्वर के लिए, दो के लिए, उनके लिए ही सुहृद शब्द आया, किसी और के लिए सुहृद शब्द नहीं आया। जो बिना किसी आशा, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी आकांक्षा के जो हित चाहते हैं उनको सुहृद। तो इसलिए मैं तेरे हित के लिए कहूंगा, क्या कहूंगा, तो अब गुह यह बात बतलाने जा रहे हैं। क्या बतलाने जा रहे हैं? गुप्त बात बतलाने जा रहे हैं। तो इस बात को हम जो है ना कल ही बतलाएंगे, वैसे धीरे हो गए थोड़े हम, अब ये समाप्त तो करना है, बहुत दिन हो गए, लंबी यात्रा। अब कितने श्लोक रह गए, रह तो गए 13-14 श्लोक रह गए, तो 3 दिन में तो कोशिश करेंगे पूरे हो ही जाए। तो जो सर्व गुह्यतम बात है वो आपको बतलाएंगे। वैसे तो ज्ञान विज्ञान के सहित सब पूरा अध्यात्म आपको बतला दिया है, और ये भी बतला दिया है कि साक्षात मुक्ति कैसे मिलेगी और परंपरा से मुक्ति, क्रम मुक्ति कैसे मिलती है। निरुपाधिक जो आत्म तत्व है उसका उपदेश भी कर दिया है, और सोपाधिक जो भक्ति है वो भी बतला दी है, कर्म योग भी बतला दिया, ध्यान योग आदि सब बतला, विविध प्रकार के यज्ञ बतला दिए। तो जो सर्वसाधारण के लिए सुलभ है ना भक्ति, वो भक्ति का ही उपदेश फिर करेंगे, क्योंकि भक्ति जो सर्वसाधारण सामान्य बुद्धि वो भक्ति कर सकते हैं। ज्ञान ज्ञान योग तो कठिन है, जब भक्ति करेगा तब उसका अधिकारी बनेगा। मुक्ति ज्ञान से ही मिलेगी, मुक्ति किससे मिलेगी? ज्ञान से मिलेगी। हाँ, सगुण भक्ति सहायक है, सगुण भक्ति अंतःकरण भी निर्मल करेगी, और सगुण भक्ति ये समझो कि कर्म मुक्ति, लेकिन साक्षात मुक्ति जिसको सद्य मुक्ति कहा था वो तो ज्ञान से। तो इनका बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे, आज ही। ओम पूर्णस्य पूर्णस्य।
शरण में।